हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज आया हूँ मैं तानसेन का मकबरा देखने, और हमारे साथ प्रखर लिखार आया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी हम जाके अंदर जाके दिखाते हैं। साथ में गौस मोहम्मद का मकबरा भी है, और तानसेन की इच्छा थी कि गौस मोहम्मद के बगल में ही मकबरा बनाया जाए, तो फिर तानसेन का मकबरा भी बिल्कुल बगल में ही है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं, ये गौस मोहम्मद का मकबरा है, और ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अभी इस साइड से आए थे, इधर से। ये वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, हजीरा से 5 मिनट लगते हैं आने में। और काफ़ी हरियाली है इधर, अच्छा सा गार्डन सा भी है। तो अभी देखते रह देखो आप लोग। अभी मैं अंदर उस साइड दूसरी साइड से भी दिखा दूंगा। यहाँ पे कुछ सिग्नेचर साइन बोर्ड वगैरह भी आगे लगा है, तो उसके बारे में जानकारी दिखाते हैं। ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, काफ़ी आर्किटेक्चर अच्छा है इसका। देख सकते हैं, यह तानसेन का मकबरा। तो इधर हम लोग आए हुए हैं। ये सारे एरिया तानसेन का मकबरा एंड गौस मोहम्मद गौस का मकबरा का है, और यहाँ पे काफ़ी सारे मकबरे इधर बने हुए हैं। और हमारे साथ प्रखर लिखार है, हम दोनों आए हैं। वैसे ज़्यादातर लोग यहाँ आते नहीं हैं, पर अगर ग्वालियर कोई आता है कभी तो एक बार ज़रूर विजिट कर सकते हैं। और तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, और ऐसा माना जाता है कि जब तानसेन संगीत करते थे तो उनके संगीत में इतनी ताकत होती थी कि बरसात करवाने में भी, मतलब उनके संगीत से बरसात भी हो जाती थी। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि मकबरे के बगल में एक इमली का पेड़ भी लगा हुआ है, तो अभी वो दिखाते हैं उस इमली के पेड़ के बारे में कुछ। एक मतलब वो कहावत है कुछ अपने, मतलब हिंदी में ऐसे कहते कहावत है, तो अभी दिखाते हैं हम आपको। और
काफ़ी सही लग रहा है, इधर शांति है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, ज़्यादा लोग आए नहीं हैं। कुछ लोग आए थे अभी बस उधर नमाज़ पढ़ने, कुछ वैसे लोग आते हैं। तो ये लगा है इमली का पेड़, और इस पेड़ की पत्तियां खाने से ऐसा माना जाता है कि आपकी आवाज़ काफ़ी मधुर और सुरीली हो जाती है। और ये तानसेन का मकबरा है, ये जो आयताकार चौकोर में छोटा सा बना हुआ है। और इधर देख सकते हैं, इधर भी दान पेटी है इधर। तो यहाँ पे इधर भी सारे मकबरे बने हुए हैं। और काफ़ी लोग अभी आए भी थे, पर कुछ कुछ लोग जा भी रहे, ज़्यादा नहीं आते अभी, कि 4-5 बजे के टाइम पे आए थे। और ये गौस मोहम्मद का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बना है, भव्य मकबरा बना हुआ है। और ये 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इधर भी ये लाइन से सब मकबरे बने हुए हैं। एक्चुअली सारे एरिया ही है, बहुत सारे मकबरे बने हुए हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा। मोहम्मद गौस भी एक संत थे। ये तो सारा मकबरे मकबरे बने हुए हैं। ये है सबसे अच्छा बना है, बड़ा काफ़ी भव्य बना है मोहम्मद गौस का मकबरा। और प्रखर लिखार हमारा थक के बैठ गया है काफ़ी ज़्यादा चल लिया है इसने। आ जाओ प्रखर। और तानसेन के बारे में ऐसा है कि तानसेन के गुरु थे हरिदास, और तानसेन शुरू के 5 साल बोल ही नहीं पाते थे, मतलब गूंगे थे वो। और ग्वालियर से 25 किलोमीटर दूर ही इनके एक गांव में जन्म हुआ था। एक्चुअली गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। और बाद में वो हरिदास के से प्रभावित होके ही उनने इस्लाम धर्म को कबूला था। और एक्चुअली गुरु हरिदास, और जब वो अकबर से मिले तो अकबर से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और उस टाइम उनने फिर इस्लाम धर्म को कबूल लिया था। उनके बचपन का नाम तनुराम पांडे था, राम तनु पांडे था आई थिंक। और तो फिर उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिया था, और संगीत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम किया है, और बहुत अच्छा संगीत करते थे। और इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी, पर उनकी जो इच्छा थी कि मोहम्मद गौस के बगल में ही मकबरा बनाया जाए, तो फिर यहीं ग्वालियर में मोहम्मद गौस के बिल्कुल बगल से ही मकबरा बनाया गया है।
ये देख सकते हैं मोहम्मद गौस का है, और उसके बगल में ही थोड़ा आगे उस साइड तानसेन का मकबरा भी है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और प्रखर आयो, इधर भी काफ़ी है घूमने के लिए, तो अभी थोड़ा आए हैं तो अच्छे से घूम ही लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मकबरे के इधर हम लोग आए तो शूज पहन के नहीं आए, तो अभी दो कांटे लग गए थे तो वो अभी मैंने निकाले। इधर ही बाउंड्री है और इधर ही बहुत सारे मकबरे बने हैं। व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, आगे चल के देखते हैं। इधर भी मकबरा बना हुआ है। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, और जैसे कोई बाहर से आता है तो ग्वालियर किला के साथ, किला गेट से ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ भी आ सकते हैं घूमने के लिए। और जिनको थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा देखने का मन करता है तो वो लोग आ सकते हैं देखने के लिए। और काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत सारे मकबरे बने हुए हैं। और यहाँ पे वैसे रात में आना और अच्छा रहेगा, पर 6 बजे के बाद ही लोग बंद कर देते हैं। अगर लाइटिंग लग जाए रात में आने को मिल जाए तो व्यू और अच्छा आएगा। और ये देख सकते हैं बहू साहिबा का मकबरा, टॉम्ब ऑफ बहू साहिबा। ये गेट है, यहाँ से अंदर जा सकते हैं, पर अभी तो ताला लगा हुआ है। और ये दूसरी विंडो है, चारों तरफ से विंडो हैं। और ये अभी मैं लगातार घूम ही रहा हूँ और बहुत सारे मकबरे बने हैं, पर इनमें कुछ शायद नाम वगैरह नहीं लिखे हैं। अगर नाम लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर शायद वो अनआइडेंटिफाइड होंगे तो इसलिए नाम नहीं लिखा है। और इधर भी बहुत सारे मकबरे बने हुए हैं। एक्चुअली इस पूरी जगह में कम से कम 500 200-300 तक मकबरे बने होंगे, जिसमें से मेन है गौस मोहम्मद का मकबरा, तानसेन का मकबरा, और अभी आपने जो देखा बहू साहिबा का मकबरा। और इधर कबूतरों के लिए दाना डाल देते हैं, तो कबूतर अभी तो काफ़ी सारे बैठे थे, पर अभी एक अंकल आए थे तो उन्होंने दाना डाला तो उड़ गए हैं। अभी हम लोग चले जाएंगे तो फिर से बैठ जाएंगे। कबूतर यहाँ से उड़ के और
इस पे बैठ जाते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा दिख भी रहे होंगी। वो ये जो इतना बड़ा भव्य बना है, यह है गौस मोहम्मद गौस का मकबरा। तो इसमें अभी हम लोग सबसे लास्ट में जाके देखते हैं अंदर। और यहाँ पे कबूतर बैठ जाते हैं, यहाँ से उड़ते हैं, यहाँ दाना डालने आते हैं लोग। तो यहाँ दाना डाल देते हैं, पानी भी रखा है क्योंकि पक्षियों के लिए अगर कोई दाना पानी रख रहा है तो वो बहुत ही धर्म का काम होता है। और मोहम्मद गौस का मकबरा बहुत ही शानदार बनाया है, और अभी तो काफ़ी उसमें कई कई जगह जालियाँ टूट सी भी गई हैं, पर वैसे काफ़ी सुंदर है। एक जगह और है इधर, और देख लेते हैं बाकी, फिर मोहम्मद गौस के मकबरे के अंदर जाके देखते हैं फिर। ऐसे ही धीरे धीरे आपको काफ़ी जगह मैं दिखाता रहूँगा जितना मेरे को टाइम मिलता रहेगा। और यहाँ भी दाना डाला हुआ है, तो ये पानी भी रखा है, ये गर्मियों में तो पक्षियों के लिए भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है अगर पानी ना हो तो। ऐसे काफ़ी जगह लोगों ने मकबरे के साथ में ही दाने और पानी की व्यवस्था कर रखी है, तो ये बहुत ही बढ़िया काम है। ये भी मकबरा है पर इसमें कुछ नाम नहीं लिखा है। तो पता नहीं चल पाएगा किसका है बना हुआ। तीन लोगों के उधर नाम लिखे थे, तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा और बहू साबी साहिबा का मकबरा।
ये देख सकते हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं गौस मोहम्मद के मकबरा में। और इधर हमने परमिशन ले ली है जाने के लिए अंदर, तो ये सारी दरगाह मकबरा बने हुए हैं। मैंने जैसे ही पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ। ये बहुत बढ़िया उन्होंने कह दिया। थोड़ा शाम हो गई है, समथिंग 6 बजने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ। ये है मोहम्मद गौस का मकबरा। अभी हम लोग आउटसाइड हैं इसके, इस साइड अंदर। इधर आप देख सकते हैं, इधर है मोहम्मद गौस का मकबरा। ये पूरा गैलरी एरिया है और काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। थोड़ा थोड़ा सी धूप है तो थोड़ा सा अंधेरा भी है हल्का सा। और एक दरवाज़ा बनाया हुआ है और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा बना है। ऐसे अपना इंडिया कल्चरली हिस्टोरिकली बहुत रिच है, बहुत सारी जगह विजिट करने के लिए। अंदर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं कबूतर, एक छोट कबूतर भी डर नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है। वाह, अब उड़ गया है। ये ज्योति जल रही हैं, कोई थोड़ा सा सामान भी है। यहाँ अगरबत्ती जल रही हैं और ये मकबरा है मोहम्मद गौस का। ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है इधर। ये है मोहम्मद गौस का मकबरा। और परमिशन लेके ही मैं आया था वीडियो बनाने के लिए, तो उन्होंने अलाउ कर दिया है। ये दान पेटी है तो थोड़ा सा हम कुछ डाल देते हैं। तो अभी हम अंदर ही आए हैं यहाँ मोहम्मद गौस की मकबरे के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी लाइटिंग लगी हुई है और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी शांति है, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, और यहाँ पे जब आते हैं तो या तो सिर में कपड़ा या कुछ, तो उन्होंने ये टोपी दी है, तो आप लोग बता सकते हैं कि कैसी लग रही है टोपी। और हमारे साथ प्रखर लिखार भी है टोपी लगा के। बहुत अच्छा लग रहा है वो तो। पास में आना, ये लुक वाइज बहुत बढ़िया लग रहा है। बजरंगी भाईजान, भाईजान ये देख सकते हैं आप। एक्चुअली ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, थोड़ा सा अंधेरा सा है अंदर, तो ये वीडियो काफ़ी वैसे लंबा हो गया है। और अभी थोड़ा सा बाहर का एरिया और हम दिखाएंगे आपको जाते टाइम। और बहुत ही ज़्यादा शांति होती है कहीं भी इस टाइप की जगह जाते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, मॉक्स,
सेनागॉग फॉर इज़राइल, जूस के लिए, यहूदियों के लिए जो बनाया जाता है उसको सिनागॉग बोलते हैं, और हिंदुओं का मंदिर होता है, मुस्लिमों का दरगाह, मकबरा और मस्जिद। तो ये देख सकते हैं मैंने ये टोपी पहनी हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं लुक कैसा आया है। तो अभी बस थोड़ा सा और आप बाहर देखेंगे, अब हम लोग अपने घर की तरफ जाते हैं। शाम भी हो रही है और काफ़ी टाइम हो रहा है, तो शायद क्लोज होने का टाइम भी है। 6 बजे तो वैसे बंद कर देते हैं, पर एक अंकल काफ़ी अच्छे थे तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम जहाँ भी मन करे वहाँ घूमो। अच्छा बताया, जल्दी परमिशन दे दी उनने। तो अब चलते हैं और ये अंदर से देख सकते हैं आप मोहम्मद गौस का मकबरा का व्यू, काफ़ी अच्छा है। उधर बहुत ही शानदार बनाया हुआ है, ये काफ़ी ऊंचाई पे बहुत अच्छा सा डिज़ाइन किया गया है। बाहर चलते हैं अब। वही अब जा रहे हैं हम लोग बाहर, बस सूज पहन लेते हैं उसके बाद जाते हैं। वही अब हम लोग जा रहे हैं, अब आगे बाहर जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी थोड़े से कबूतर बैठे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा दूर से ही दिखा देता हूँ, पास नहीं जाऊँगा क्योंकि वो शायद उड़ सकते हैं, तो शायद आपको दिख गए होंगे। थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो ये काफ़ी कबूतर बैठे हैं इधर। मैंने जूम करके आपको दिखा दिया है, काफ़ी कबूतर बैठे थे। और आप अगर ग्वालियर आते हैं तो आई रियली रिकमेंडेड यू टू विजिट टॉम्ब ऑफ तानसेन एंड टॉम्ब ऑफ मोहम्मद गौस। यू कैन ऑल्सो सी देयर इज अ lots of maqbaras and greenery also. काफ़ी अच्छा है, गार्डन भी है और मकबरे बहुत सारे बने हुए हैं, और मोहम्मद गौस का मकबरा तो वाकई देखने लायक है, और तानसेन का मकबरा भी, और जो वो इमली का पेड़ लगा है वो भी हम लोगों ने देखा। काफ़ी ग्रीनरी एरिया है इधर। एक्चुअली कोविड के कारण शायद कम टूरिस्ट आते हैं, वैसे नहीं तो जो टूरिस्ट आते हैं ग्वालियर घूमने, जो टूर जो गाइडेड टूर लेते हैं उनको दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑडियो गाइड के लिए भी ऑडियो गाइड भी अवेलेबल था। ग्रीनरी एरिया है और ये है सबसे मेन देखने के लिए जगह, मोहम्मद गौस का मकबरा और तानसेन का मकबरा। एक बार आएँ आप ज़रूर देखें। और रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, समथिंग 5 किलोमीटर ही होगा, 4 से 5 किलोमीटर। और अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। काफ़ी 2 घंटे समथिंग हम लोगों ने यहाँ एंजॉय किया, घूमा काफ़ी, और लास्ट में आप देख सकते हैं ये
बाहर से व्यू दिखता है। और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारे कबूतर बैठे हुए हैं अगर आपको दिख रहे हों तो। हाँ तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कबूतर बैठे हैं। थोड़ा स्टेबल नहीं हो पा रहा कैमरा एक्चुअली। और कबूतर वहाँ दाने खाते हैं इधर, थोड़ा सा और आगे उधर बैठे हैं, आपको दिख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। और जैसे कोई और दाना डालने आता है या ज़्यादा लोग आते हैं तो उड़ के इस गुम्बद पे बैठ जाते हैं। तो यही है, इसमें काफ़ी अच्छा है, इधर साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और ऐसे ही बहुत सारी जगह मैं विजिट करूँगा, तो आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह मैं विजिट करूँगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और प्रखर तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा है वीडियो। मैंने भी बहुत इन्जॉय किया एंड मुझे बहुत मज़ा आया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमने काफ़ी समय बता दिया यहाँ पे, एटलीस्ट 2 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे। हाँ तो हो सके तो जितना आप इसको चलो, शेयर कीजिए हाँ तो चलो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें मकबरे को वीडियो के थ्रू। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।